रामपुर कस्बा दड़ियाल के क्षेत्र में लेबर मजदूर के ठेकेदार से दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने 1,00,000 रुपए लूट लिए, लेकिन पुलिस ने मामले को आपसी मारपीट का बताते हुए एनसीआर दर्ज कर ली है। टांडा कोतवाल का कहना है कि मामला मारपीट का है, लूट की घटना नहीं हुई है। ग्राम रामपुर दमन निवासी यामीन के अनुसार वे माजा फार्म स्थित बरार स्टोन क्रेशर पर लेबर ठेकेदार है। शनिवार की देर शाम करीब 8 बजे अपने गाँव के साथी अफरीक हुसैन के साथ क्रेशर से मजदूरों का हिसाब करके 1,07,30 की रकम लेकर लौट रहा था। रास्ते में शिवपुर मार्ग पर खवरिया फार्म पर दो बाइक सवार चार बदमाशों ने ओवरटेक कर घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी और उनकी कनपट्टी पर तमंचा रखकर मजदूरों की रकम छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित दड़ियाल पुलिस चौकी पहुंचा, जहां पर टांडा कोतवाली जाने की सलाह दे दी गई। पीड़ित ने 4 नाम दर्ज लोगों के खिलाफ लूट और मारपीट की तहरीर दी है। पुलिस द्वारा मामले में लूट का मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ मारपीट की धारा 323 और 504 में एनसीआर दर्ज की गई है। कोतवाल माधो सिंह बिष्ट का कहना है कि मारपीट की तहरीर मिली थी, रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। रामपुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यामीन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम धम्मन का रहने वाला हूँ मैं। ग्राम धम्मन का रहने वाला हूँ, चौकी दड़ियाल, थाना टांडा। आपके साथ में जो घटना घटी है, क्या था सारा मामला? मामला ये था सर, मैं लेबर का काम कराता हूँ, लेबर चलती है मेरे पास, 10 से लेकर 15 तक आदमी चलते हैं। उनकी मजदूरी होती है 520 की 510 की। अब उसमें मुझे पैसे मिले बरार स्टोन क्रेशर से 1,07,30 रुपये। मैं उसे लेके चला कि एक मुराद था, एक फहीम था चौखंडी का, एक लाली था चौखंडी का, और जो वो है मुराद वो है होगा घोसीपुरी का। उसके साथ एक लोटा और है तगड़ा तगड़ा, उसका उसे कहते हैं बम्बू। ये चारों हो खड़े थे, इन्होंने मुझे पैसा लाते हुए देख लिया। कहाँ? स्टोन क्रेशर पे खड़े थे? हाँ, बरार स्टोन क्रेशर भी थे। इन्होंने मुझे पैसा लाते हुए देख लिया। इन्होंने आगे आके मेरी जो गांव पड़ता है जमालगंज से आगे पड़ता है एक क्या बोले जो बंसा पड़ता है, एक बंसा वहाँ इन्होंने मुझे आके घेर लिया, मुझे वहाँ लातों से और घूसों से पीटा। कितने लोग थे वो? ये 4 लोग थे सर। काहे से थे? दो बाइकें थी, दोनों बाइकें मेरी बाइक के आगे आगे लगा दी इन्होंने। आप कितने लोग थे? हम 2 थे, एक मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहते हैं, उनका नाम है अफरीक, वो मेरे साथ काम करते हैं। उन्हें भी मारा, मुझे भी मारा। ये बोले हमें पैसे दो जो तुम लेकर आ रहे हो। हमने कहा भाई गरीब आदमियों के पैसे, हम उनके पैसे देंगे, हमसे मत छीनो। हमने इनके आगे हाथ जोड़े, रोए डिड्या, ये नहीं माने। इन्होंने हमें बहुत मारा सर, बहुत मारा हमें, और हमारे पैसे छीन के ले गए, हमने पैसे नहीं दिए तो इन्होंने तमंचा रख दिया। हमने इनके पैर पकड़े, हाथ जोड़े, हमने इनकी बहुत कोशिश करी छूटने की, मगर इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने हमारे पैसे छीन लिए, हमने बड़ी मुश्किल से भाज के जान बचाई, पैसे लेके भाज गए हमारे वहाँ से। कितने आपके पैसे थे? 1,07,30 रुपये थे। तो इसके वो लेके आ गए, इसकी आपने तहरीर दी? हमने दड़ियाल चौकी में तहरीर दी इसकी, रात ही जाके दरोगा जी को। और फिर हम टांडे गए कोतवाल साहब के पास, उनके आगे भी हमने सब सारा मामला बताया उन्हें, मगर अभी तक वो खुले ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। कोई कार्रवाई पुलिस नहीं हुई है? पुलिस उनके घर अभी तक नहीं गई है। वो जो मुराद है उसका बाप कोई नेता, उसका चचा नेता है कोई, वो उसके ऊपर बहुत कुछ है। मेरा चचा तो नेता है, मैं तो ऐसे लूटता हूँ, ऐसे मारता हूँ, कोई मुझसे कुछ नहीं कहेगा। कल से अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी आपका साथ नहीं दिया? कुछ साथ नहीं दिया साहब, गरीब आदमी है, कोई साथ नहीं होता। इससे कोई पैसे वाला होता तो उसका साथ देते, हम गरीब आदमी, हमारा कोई साथ नहीं देगा, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। प्रशासन अभी तक अपने अपने जगह पे कहीं नहीं गया, उन पर कोई दबाव नहीं डाला। जो आपने 1,07,30 रुपये जो लिए थे, वो आपने कहाँ से लिए? वो बरार स्टोन क्रेशर है माजा फार्म पे, और वो हम गवाह भी हैं, खुद उनका जो जिन्होंने पैसे दिए थे वो गवाह है, मालिक ने दिए थे, जो उनका नाम है बब्बर, उन्होंने मुझे पैसे दिए। मैंने उन्हें भी फ़ोन करा रात, तो बोले भाई कब हुआ? मन की अभी हुआ है, 8 बजे के करीब हुआ ये मामला, रात 8 बजे। तो ये जो आपकी हालत हुई है, ये जो आपके कपड़े, ये मुझे पकड़ के मारा उन्होंने, बहुत मारा मुझे, बहुत सारी मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, मुझे बहुत मारा सर, बहुत लातों से, घूसों से, डंडों से। फिर जब मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे यहाँ तमंचा रख गए, तेरे गोली मार देंगे या तो पैसे दे। एक बंदा कह रहा था उनमें, उसका नाम मुराद, वो कह रहा है इसे गोली मार दो, इसे गोली मार दो,
ये बता देगा। बड़ी मुश्किल से मैंने हाथ पैर जोड़ के पैसे देकर अपनी जान बचाई सर।